एक लंबे वक्त से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे यशवंत सिंह को 4 को विधानसभा से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार उतारा गया है, जिसकी लिस्ट आते ही यशवंत राव घर पहुंचे और अपनी मां के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं उनकी मां उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देते नजर आ रही हैं, तो वहीं साथ ही उनकी भाभी और साथ ही घर के हर अन्य सदस्यों ने भी उनकी आरती उतारकर और उन्हें तिलक लगाकर 4 को विधानसभा से विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो देखिए इस दौरान सक्षम न्यूज इंडिया से बातचीत में यशवंत सिंह ने क्या कुछ कहा विधानसभा चुनाव को लेकर और उन्हें उम्मीदवार के रूप में 4 को विधानसभा में उतारे जाने पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का विपुल बच चुका है, वहीं अगर बात करें कांग्रेस महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और दूसरी लिस्ट में उन्होंने जो एक नाम 4 को विधानसभा से लोगों के सामने प्रत्याशी के रूप में लेकर आए हैं यशवंत सिंह जी का, तो इस समय हमारे साथ यशवंत सिंह जी यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आपके बीच में कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वह कितने 4 को विधानसभा से रूबरू है, वहां की समस्याओं से कितना रूबरू है। सबसे पहले आपको बधाई, पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, कितनी खुशी है और क्या लग रहा है इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे यशवंत जी? ये जब जिम्मेदारी आपके पास आती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती है, और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उसके साथ में अकाउंटेबिलिटी भी लेके आती है। मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं मेरे वरिष्ठ नेताओं का मैं तहे दिल धन्यवाद करता हूँ, नाना भाऊ पटोले जी का, वर्षाताई गायकवाड़ जी का, नसीम भाई जी का, असलम शेख जी का, भाई जगताप जी का, और भी जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदद किया है। क्योंकि आपने अगर इस बार कांग्रेस का अगर लिस्ट देखा होगा तो उसमें मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस हुए हैं और उसमें राहुल जी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं, तो अब उनका एक डिसीजन है कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैं 2019 से जो मैंने काम करना स्टार्ट किया, बेसिक जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे क्योंकि मुझे मुंबई अध्यक्ष के तौर पर, उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के मुंबई अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम किया, एकनाथ गायकवाड़ साहब जी के साथ मैंने काम किया और बाकी का नाना पटोले जी के साथ में काम कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। हम रूट्स से जुड़े हुए हैं, हमने BLA बनाए हैं, हमने केवल 4 को विधानसभा नहीं तो हमने पूरे मुंबई की हमने ऐसी संरचना की है कि इस बार हमारा स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 36 विधानसभा जो हमारे पास में है उसमें से कम 30 विधानसभा से ज़्यादा हम जीत कर आने वाले हैं। और आपको मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार पब्लिक ने भी काम करने वाले व्यक्ति को ही चुनना है, और अगर वो काम करने वाले व्यक्ति को चुनता है तो उसके बीच में रहेगा और उसके साथ में काम करेगा। मैं एजुकेशन को मैं बढ़ावा दूंगा, मैं हेल्थ को बढ़ावा दूंगा, मैं वहाँ पे लोगों के बीच में रह के दलालगिरी का काम नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो उत्तर मुंबई के बहुत सारे जो विधायक हैं वो दलालगिरी का काम करते हैं, बिल्डरों के साथ उनकी साठगांठ होती है जिससे पब्लिक परेशान है। उसका नेतृत्व मैं करने जा रहा हूं कि जहां पर आपको स्वच्छ छवि का एक व्यक्ति मिलेगा जो कि आपका आमदार होगा। एक आपने दलाल व्यक्ति, दलाल शब्द आपने यूज किया है, तो ये वर्ड आप स्पेसिफिक किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं? मैं स्पेसिफिक अगर आप कहें तो यहां पर मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बहुत क्लेरिफाई करने की जरूरत है। आप पत्रकार हैं, आपको खुद को ही पता है कि यहाँ पर जो बिल्डरों के साथ में एक साठगांठ करके लोग 15-15, 20-20 साल से लोग अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, जब वहाँ की पब्लिक जाके पूछती है जिसको जिता के लाई है, वो चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे कोई भी हो, तो वहाँ से एक ही जवाब मिलता है कि भाई हम करके देंगे, करके देंगे। पिछला 3 बार जो वहाँ पर व्यक्ति 3 बार चुनकर आया हुआ हो और आज तक अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो आप खुद उसको कंक्लूड करिए कि उसको क्या कहना चाहिए। तो 3 बार के सिटिंग विधायक हैं, उनके सामने अब आप चुनाव मैदान में होंगे, किस तरह से आपको भरोसा है कि 4 को विधानसभा की जनता यशवंत जी के साथ होगी और वहाँ की समस्याओं से आप कितने रूबरू हैं और किस तरह से आप एक परिवार के रूप में वहाँ पर एक प्रत्याशी बनकर आप जा रहे हैं? 4 को विधानसभा में रहने का हमारा मलाड और चारकोप दोनों विधानसभा में हम रहते हैं, स्कूल्स हमारे चारकोप और मलाड विधानसभा दोनों जगह पे हैं, गणेश नगर से लेकर आगे तक की जितनी एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पे कम से कम आज हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ से 10th पास होके गए, 12th पास होके गए, उसमें से इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब चाहते हैं कि
हमारे बीच में हमारा सर आए। मतलब मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे खुशी है कि मैं मेरे बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के बीच में जा रहा हूँ, जहाँ से कि लोग मुझे इतनी तरजीह देंगे कि मुझे जिता के लाएंगे। तो क्या लगता है वहाँ की जनता आपको चुनती है, अपना विश्वास दिखाती है, तो चार को विधानसभा को किस तरह से एक नया रूप देने का काम आप करेंगे? आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है चार को विधानसभा में। वहाँ पर सड़कों की कंडीशंस नहीं अच्छी है। बीच में हम लोगों ने दो दो बार वहाँ पे आंदोलन लिया है चार को विधानसभा में, सड़क के कंडीशंस में, बरसात में अपने कंडीशंस देख ही लिया है। लोग जो बेघर हो चुके हैं पिछले 15-15, 20-20 साल से, जिनको घर नहीं मिला है, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उनको उनका घर मिल जाए, और जो नया रूल्स आया है उस रूल्स के तहत उनको घर मिले, न कि बिल्डरों के साथ में कोई साठगांठ करके। आप कहेंगे कि नहीं पुराने वाले जीआर के, तो नहीं पुराना नहीं, जो नया जीआर है नए जीआर के हिसाब से उनको उनका मकान दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और उसके साथ साथ में जो यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, जैसे यहाँ पे टीबी हॉस्पिटल नहीं है, कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखो तो हमारे पास में इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, तो इन सबको लाने की मेरी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि यशवंत सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और विधानसभा, चार को विधानसभा को एजुकेशन के मामले में सबसे आगे लेके जाना और वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे भी दूर करने के काम को, इस मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच जाने के लिए तैयार है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए देखना यह होगा कि इस चार को विधानसभा की जनता किस प्रकार से यशवंत सिंह पर अपना प्यार जताते हुए, उन पर विश्वास दिखाते हुए अपने वोटों में तब्दील करती है अपने प्यार को। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई।